हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ना मैंने अभी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी देखी, और वो रेसिपी थी कोरियन कॉर्न चीज़ कॉर्न्स की रेसिपी। तो मैंने सोचा कि मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट तो है ही सिवाय एक को छोड़ के, तो चलिए ट्राई करते बनाने का। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया कॉर्न, और उसके बाद मैंने थोड़े से अनियन ऐड किए हैं इसमें, और फिर मैंने उसको थोड़ा ऐसे सेपरेट कर दिया ताकि मिक्स करने पर अच्छा सुंदर दिखे। फिर मैंने थोड़ा सा नमक डाला और डाली थोड़ी सी काली मिर्ची, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेयोनीज डाली, इतना कि बस एक अच्छा सा इनके आपस में मिक्स हो जाए, इतना ही डालना है बस अच्छा पेस्ट बनाने के लिए। फिर इनको मैंने मिक्स किया अच्छे से, और जिनकी रेसिपी मैंने देख के बना रही हूँ ना, उनके चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप चाहें तो उनका भी देख सकते हैं जाके। उन्होंने ना टॉर्टिया राइस यूज़ किए थे, तो मैंने सोचा कि चलिए उसका कुछ सब्सटीट्यूट ढूंढते हैं। तो मैंने ये रोटी बनाई है आटे की, तो ये थोड़ी हेल्दी भी होगी उससे, और मैंने सोचा कि ये तो सबके घर पे इजीली अवेलेबल हो ही जाएगी। तो इसको ऐसे कोन के शेप में करा, और ध्यान रखना है कि रोटी पूरी पकी भी नहीं होनी चाहिए, और इस पर कोई तेल लगा के नहीं सेकना है, नॉर्मल बिना तेल के सेकना है, और हल्की कच्ची पक्की होनी चाहिए। फिर इसमें टूथपिक डाली कोन को ताकि कोन स्टेबल रहे, और ऐसे ही करते करते मैंने 4 कोन्स बना लिए हैं, और सब में टूथपिक डाली ताकि अपनी शेप रिटेन करें। तो मैंने अच्छे से फ्राइंग पैन में घी डाला, और उसके बाद एक के बाद एक अपने कोन रख दिए उसमें। अब ध्यान रखना है कि इसमें घी की क्वांटिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। तो आप जितना अच्छा सा घी लगाएंगे उतना ही अच्छा ये क्रिस्पी होगा। तो ये देखिए, मैं हर थोड़ी इंटरवल में ऐसे घी डालती जाऊंगी और इनको पलटती जाऊंगी। जब ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने लगे तब हमें समझ जाना है कि ये रेडी है, और गैस ऑफ करके हमें इन्हें उतार लेना है। देखिए कितना ही सुंदर कलर आया है। फिर इनको उतारने के बाद उन्होंने बोला था कि हमें पैन में इतना बटर डालना है कि जितना हम अपने पेरेंट्स को ट्रिप पे जाने के लिए कन्वेंस करते हुए लगाते हैं। अगर मैंने उतना लगाना शुरू किया ना, तो पूरा पैन ही बटर से भर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 टेबल स्पून बटर लिया, और उसके अंदर हमारा जो कॉर्न और मेयोनीज वाला मिक्सचर था वो डाल दिया, और उसके साथ मैंने ऐड किया है थोड़ा सा मिल्क। वो उनकी रेसिपी में नहीं था, पर मुझे लगा कि ये अच्छा एडिशन होगा, तो मैंने ये भी ऐड कर दिया। और फिर हमें इसको तब तक चलाना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो ये 2-3 मिनट में ऐसे बबल अप होने लगेगा और गाढ़ा हो जाएगा। तब मैंने चीज़ ग्रेट करके रखी थी वो इसमें ऐड कर दी, और ये इतना चीज़ी और इतना अच्छा दिखने लग गया था ना यार। फिर हम लेंगे जो हमारा कोन था उसको, और उसमें इसको फिल कर लेंगे। अभी दिखाती हूँ मैं आपको ये क्लोजअप में कैसा दिखता है। तो ये देखिए कितना सुंदर और चीज़ी दिख रहा है यार। फिर मैंने इसको करना शुरू किया प्लेट। तो सबसे पहले जो हमने मिक्सचर बनाया था उसको हमने प्लेट एक बोल में वापस निकाल दिया ताकि फिल करने में इजी रहे। तो मैंने सोचा कि वो दिखाने के पर्पज से तो अच्छा है, पर प्रैक्टिकली तो एक चम्मच से फिल करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो मैंने सबसे पहले तो टूथपिक निकाली, और उसके अंदर फिर मैंने ये फिलिंग फिर भरना शुरू की। आप ना इसको बहुत ही अच्छे से जनरसली भरिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, और ना ये फुल फिलिंग भी बहुत होता है, तो आप इसे ऐसे स्नैक भी खा सकते हैं, और इसको ऐसे लाइट डिनर भी ले सकते हैं। तो फिर मैं एक के बाद एक भरती गई। मैंने इसको पूरा अच्छे से भरने का ध्यान रखा है, क्योंकि टेस्ट तो ये जो फिलिंग का है वो ही आएगा। और ये देखिए यार कितना सुंदर दिख रहा है ये। फिर मैंने इसको फाइनली थोड़ी सी ग्रेटेड चीज़ से गार्निश किया है, और ये हो गए हमारे कोरियन कॉर्न चीज़ रोल्स तैयार। आप भी ट्राई कीजिए घर पे, और बताइए मुझे आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, जो ओरिजिनल जिन्होंने ये वीडियो बनाई थी उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उनका वीडियो भी ज़रूर चेक कीजिए।